मेरी अपनी समझ ये कहती है कि मतलब मैं समाधान तो बाद में दूंगा, मैं पहले बोलता हूँ समस्या है ही नहीं है। तो जैसे मैं इतना बेचैन हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, आप कह रहे समस्या नहीं। हाँ ठीक है ना, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र का इलेक्शन है, इस उम्र में ये सब हो रहा है तो समझो ठीक है, नींद नहीं आ रही, हाँ तो ठीक है, ठीक है। जीवन में पहली बार प्यार हुआ वो टूट गया और नींद भी आ रही है, ये इसमें दिक्कत है ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है कि पहला प्रेम हुआ टूट गया नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो सही है, स्वाभाविक बात है। और मैंने कहा आज से 10 साल बाद पता क्या होगा, आपको प्यार हुआ तो भी नींद आएगी, टूट गया तो भी नींद आएगी, कोई कहेगा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, आप कहेंगे सुबह बात कर रहे नींद आ रही है, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग। और मतलब ये कहेगा नहीं, कहेगी भी, वो भी ऐसा करेगी। अभी जिसके लिए जान दिए हुए है 10 साल बाद वो कहेगा तुम ध्यान नहीं देती हो, मेरा मन करता है कि सर फोड़ लूँ, मेरा मन करता है घर छोड़ दूँ, कहेगी अच्छा बहुत हुआ नींद आ रही है कल बात करेंगे। ये तो परिपक्व होने के बाद की अवस्था है ना, अभी तो वही है, किसी ने रात को 3 बजे फोन करके कह दिया कि मन कर रहा है इस समय समोसा खा पाती, और आप पूरी कायनात में समोसा ढूंढने निकल गए, कैसे नहीं खाएगी, उसकी इच्छा हुई है, हलवाई के घर गए उसको मार मार के उठा के लाए, खोल दुकान अभी अभी बना समोसा, उसकी इच्छा हुई है। और सुबह सुबह 4:30 बजे समोसा हाथ में लेके पहुंच गया सामने, एनीथिंग फॉर यू। ये तो इस दौर में होगा ना भाई, लेकिन 20 साल बाद 50 साल की नायिका 52 साल के नायक से कह के देखे रात को 3 बजे के समोसा खाना है, जरा दिमाग खराब हो गया, पागल औरत समोसा खाएगी रात को 3 बजे, उठ के बना लिया अपने आप। अंतर है कि आप इमोशंस से ड्रिवन हैं या आप इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हैं। जब इमोशंस मरणासन्न अवस्था में होते हैं ना, आप एकदम स्टेबल हो जाते हैं, वो फर्क पड़ता है, लहरें बंद हो जाती हैं, अभी तूफान सुनामी चलता है, धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, लहर हल्की सी आई कहाँ गई पता भी नहीं चलता है, वैसी लहर। ये है परिपक्वता।